साल 2024 का पहला एनमे फ्लफी पैराडाइज, एक ऐसा एनमे जिसे देखकर आप कहोगे बस करो यार, कितना क्यूटनेस दिखाओगे। वेल, आपको ये एनमे पसंद आ सकती है, बट द कंडीशन इज, क्या आपको प्यारे बच्चे पसंद है? अगर हाँ, देन यू विल लाइक इट, अदरवाइज आप भी बोलोगे बस करो यार, कितना क्यूटनेस दिखाओगे। जानते हो इस एनमे के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है? आंसर इज सिंपल, क्यूटनेस। हर चीज का जवाब इस एनमे में क्यूटनेस ही है। आपको ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे, आपको घोड़े देखने को मिलेंगे, आपको गॉबलिन्स देखने को मिलेंगे, पर जानते हो इन सबको कौन संभालेगा? हमारी प्यारी बच्ची जो कि बहुत ही क्यूट है, जिसको भगवान ने वरदान दिया है टू बी लव्ड बाय नॉन ह्यूमन बींग्स। वेल, ये एक लाइट नॉवल एडेप्टेशन है जिसको एनिमेट कर रही EMT Square, जिनका हमेशा का काम है एवरेज एनिमेज देना। जो इनके पॉपुलर एनिमेज हैं वो है कुमा 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 बियर पंच और बीस्ट टेमर। तो आप समझ ही सकते हो कि इस बार भी आपको क्या कंटेंट देखने को मिलेगा। म्यूजिक की अगर बात करें, देन इट्स ओके, काइंड ऑफ लाइक किड्स शोज म्यूजिक। और एनिमेशन भी इस तरह की है जिससे कि एनिमल्स और हमारी मेन कैरेक्टर काफ़ी एडोरेबल लगे। पर इससे पहले कि आप ये एनिमे देखें, आपको सेनिन एनिमेज की कसम, आपको सोनेन एनिमेज की कसम बता रहा हूँ गाइस, इसके क्यूटनेस जुत्सु में मत फंसना, वरना तुम सारे एपिसोड्स देख लोगे उसके क्यूटनेस के चक्कर में और बाद में आके बोलोगे भाई क्यूटनेस को छोड़ के था क्या इस एनिमे में। भाई मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये कोई स्पाई एक्स फैमिली या बडी डैडीज नहीं है, इसका पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है क्यूटनेस। और ऊपर से गाइस, ये है भी इसे का स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ। कहानी रिवॉल्व करती है आकित्सु मिदोरी के ऊपर, जो 27 साल की थी। वो महीने भर ओवर टाइम काम करने की वजह से एक दिन लुढ़क जाती है, डेड। उसे बुरा फील होता है कि मरने के वक्त उसके साथ कोई नहीं था, वो गुड बाय भी नहीं कह सकी अपने पेरेंट्स को। तभी भगवान उनके सामने प्रेजेंट होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो वो उसके मरने का तरीका चेंज कर देंगे। तो भगवान को असल में ह्यूमंस को वाइप आउट करना था फ्रॉम अ वर्ल्ड नेम्ड एस डायलॉन, बिकॉज वर्तमान में वहाँ के मनुष्य दूसरे प्रजातियों पर अत्याचार कर रहे थे। तो वो उसे रीइनकार्नेट होने का मौका देते हैं विद अ स्पेशल पावर, जो भी वो चाहे। उसे बस वहाँ जाकर रहना है और भगवान को ये बताना है कि क्या वहाँ के ह्यूमंस को जिंदा छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। जानते हो वो कौन सा स्पेशल पावर चूज करती है? टू पेट फ्लफी थिंग्स। इसलिए भगवान उसे वरदान देते हैं टू बी लव्ड बाय नॉन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद वो रीइनकार्नेट होती है और उसका नाम पड़ता है नेफर तीमा। तो आगे उसके साथ क्या होगा जानने के लिए देखिए फ्लफी पैराडाइज। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, डेलिशियस इन डंजन और सोलो लेवलिंग। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए अबव एवरेज, अबव एवरेज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि उतना उसे पसंद किया जाएगा, तो इसे रखते हैं पासेबल के कैटेगरी में। जनरल ऑडियंस के लिए सूटेबल, प्रो ऑडियंस के लिए ठीक ठाक लोअर लेवल, रिव्यूअर्स के लिए वन टाइम वॉच, और मेरी तरफ से मन किया तो देख लो। तो आप सभी का स्वागत है सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम बात करेंगे फिर से नारुतो की, फ्रॉम एपिसोड 6 टू एपिसोड 9। वेल, ये एपिसोड्स हैं फ्रॉम लैंड ऑफ वेव्स आर्क, और यहीं पे हमें अपना पहला विलन देखने को मिलता है जो कि था जाबूजा। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 6 से, जहाँ पे टीम 7 फायर डायमियो के वाइफ के कैट को ढूंढ लेते हैं। वेल, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फायर डायमियो का डेब्यू नारुतो शिप्युडन में जाके होता है, आई थिंक सो पेन एजॉल्ट वाले आर्क में। इसी एपिसोड में टीम 7 को सी रैंक मिशन मिलता है टू प्रोटेक्ट ताजुना, बट एक्चुअली में वो थोड़ा हायर लेवल का था। इसी मिशन के दौरान दो चुनिन लेवल के निंजा अटैक करते हैं, बट काकाशी इजीली उन्हें संभाल लेता है, और यहीं पे हमें नाइन टेल डीमन फॉक्स की हीलिंग एबिलिटीज भी देखने को मिलती है। साथ ही कैरेक्टर्स लाइक गातो, मेउजू, सीजीमी का डेब्यू होता है, और नारुतो कसम खाता है कि ही विल नेवर रन अवे। एपिसोड 7 से चालू होता है टीम 7 वर्सेस जाबूजा, और हमें पहली बार काकाशी का सारिंगान देखने को मिलता है। एपिसोड 8 में नारुतो और सासुके अपना दम दिखाते हैं,
और साकुरा एज यूजुअल कुछ नहीं करती है। कम से कम डिफेंस पोजीशन तो ले लो साकुरा। उसकी जगह वो नाओटो को बोलती है, अकेले क्यों लड़ने जा रहे हो। वहीं थोड़ी देर पहले सासुके भी अकेले ही फाइट करने जाता है जाबुजा को, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। फिर जाबुजा अपनी बैक स्टोरी बताता है और सब शॉक में चल जाते हैं वो सुन के। उसके बाद एपिसोड 9 में हमें देखने को मिलता है काकाशी वर्सेस जाबुजा, और उसके बाद ही हाकू जाबुजा को मार देती है, जो कि ऑब्वियसली एक नाटक होता है। पर जैसे ही हाकू जाबुजा के डेड बॉडी को लेकर चली जाती है, वैसे ही काकाशी सारिंगान के ज़्यादा यूज़ के कारण थकावट से गिर जाता है। तो आई थिंक सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। देखते हैं किसी अगले वीडियो में अगर हम फिर से डिस्कस कर पाए। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं वन पीस की तरफ, और आज हम बात करेंगे एपिसोड 1084 और 1085 के बारे में। तो एपिसोड 1084 इज एन एनमे ओरिजिनल एपिसोड, और इसमें सांजी को एक लड़की प्रपोज करने वाली थी, बट तभी रॉबिन चुआन वहाँ आ जाती है, और क्योंकि सांजी है रॉबिन चुआन का दीवाना तो वो लड़की कुछ नहीं बोल पाती। उसी के साथ हमें जोरो पेद्रो और यासुई के ग्रेव्स को विजिट करता हुआ नजर आता है, और उसा कुछ कपड़े खरीदता है फ्रॉम फ्लावर कैपिटल। वेल ओवरऑल दिस वॉज अ वेरी गुड एपिसोड एंड ऑल्सो अ मच नीडेड एपिसोड, बिकॉज बहुत सारे मांगा ऑडियंस का एक कंप्लेन था कि वानो का एंड बहुत ही रश्ड होता है। तो अब हम बात करते हैं एपिसोड 1085 के बारे में। तो स्ट्रॉ हैट्स गुड बाय बोलते हैं मोमोनोसुके, किनेमोन और यामातो को। उसी के साथ किट जो है वो ट्राफलगर लॉ और लूफी को प्रोवोक करता है कि तुम लोग तो रेगुलर पायरेट्स हो, इसलिए तुम ऑफिशियल पोर्ट यूज कर रहे हो, जिस वजह से थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन क्रिएट हो जाता है। और यही एपिसोड हमारा लास्ट एपिसोड होता है ऑफ वानो आर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सरप्राइज पैकेट पसंद आए, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।